गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ फ्राइडे और मैं उठ गई हूँ। अब नीचे जाऊँगी और बस धीरे धीरे अभी ऐसे दिन की शुरुआत होने वाली है। और अभी नीचे जाके मैं सबसे पहले तो भगवान जी को नमन करते हैं, हरे कृष्णा टू एवरीवन, और अब दिन की शुरुआत हो जाएगी बस ऐसे ही। और मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। सिर्फ 2 ही दिन हुए मेरे को वीडियोस डालते हुए और मेरे को इतने सब लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, अब बस मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैंने रात को सौंफ भिगो के रखी थी अपने लिए पानी में, और मैं सबसे पहले तो फेनल टी बना के पीऊँगी। इसको सौंफ वाला पानी कहते हैं बेसिकली, तो इंग्लिश में फेनल टी बोल देते हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा बॉयल करके, और ये जब थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तो फिर इसको मैं पीऊँगी, क्योंकि मेरे को आदत है एवरी डे मैं थोड़ी डिफरेंट टी पीती हूँ। और अभी बच्चों के लिए दूध निकाला है मैंने फ्रिज में से, तो बच्चे कोई ना कोई तो जैसे ब्रेकफास्ट में ले लेंगे, किसी ने कॉर्नफ्लेक्स खाने होंगे तो वो दूध ले लेगा, किसी ने बॉर्नविटा वाला दूध पीना होगा तो वो इसमें से, तो मैं दूध इकट्ठा गर्म कर लेती हूँ, तो जैसे उनकी विश होती है वो ले लेते हैं। अभी मैंने तैयार कर लिया लंच बॉक्स के लिए सैंडविचेस, और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के मैं क्लीनिंग करने के लिए ऊपर आ गई थी, क्योंकि आज मेरे को अपस्टेयर्स में सारा हूवर करना था। और हुवर करके दोनों रूम्स में और स्टेयर्स में मैंने ऊपर पहले हुवर किया, और फिर उसके बाद ऊपर का सारा टाइडी अप करके, और फिर उसके बाद मैंने इधर से सारा फिनिश करके फिर नीचे गई। अभी नेक्स्ट रूम में जाऊंगी। अभी मैं नेक्स्ट रूम में आ गई हूँ, और ये है मेरा एक बच्चों का रूम है, इधर सारी बेडिंग करके और फिर उसके बाद मैं दूसरे रूम में जाके उधर की बेडिंग करूँगी। और ये सब करने के बाद गाइस, अब लंच टाइम हो गया है। मैं नीचे आई थी, मैंने सोचा क्या खाऊं, तो सोचा चलो आज मैगी बनाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने मैगी बनाई, और ये देखिए कितनी अपीलिंग लग रही है। इट वाज सो टेस्टी, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस। एंड मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और लंच करने के बाद मैंने ये थोड़ी सी क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल में थे तो मैंने सोचा चलो अभी शुरू कर देती हूँ, फिर उनके साथ करेंगे। और अब बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्होंने सब खाया पिया जो अपना खाना पीना था, और उसके बाद वो बच्चे मेरे साथ लगे थे क्रिसमस की डेकोरेशन, स्पेशली ट्री को डेकोरेट करने में। मेरी बेटी और मेरा बेटा लगे हुए हैं, छोटे वाला तो गेम खेलने में बिजी था। तो बस अभी ये